नमस्कार। इस वीडियो में बनाने वाले हम पादप कोशिका का नामांकित चित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए अगर हम बिल्कुल सिमेट्री में बनाना है तो इस प्रकार से हम इसमें एक षटकोण बनाएंगे। हम यानी ये 60-60 डिग्री के एंगल से हम इसमें तीन लाइन बनाएंगे। इसे बनाने के बाद इसके बाहर एक गोला बना देंगे। इसको प्रत्येक लाइन जो है उसको आपस में इस प्रकार मिला देंगे और इन सबको रबड़ से मिटा देंगे ताकि ये अपना शेप बन जाएगा सेल्स का। ये लो, ये सब थोड़ा इसको डार्क कर लेते हैं और इसके बाहर की ओर इस प्रकार से मैं एक लाइन बनाते चलेंगे। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो देखे और बहुत सुंदर चित्र बनेगा अपना ये कोशिका का। इसके अंदर भी पूरे एक गोला बना देंगे इस प्रकार से। तो ये अपना कोशिका का बाहर का तो पूरा डायग्राम। अब इसके जो कोने ना उसको आपस में यहाँ से रबड़ से मिटा देंगे ताकि इसके छिद्र बना सके अपन। अब इसके अंदर की ओर हमें यो बाहर का तो इसका कोशिका पटलिका बन गया। अब इसके बाद है अंदर जो है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया अपन। इस प्रकार से हम इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देंगे। झिल्ली जो अंदर होती है इसके, इसको भी यहाँ से मिला देंगे। अब इसके अंदर हम एक बड़ा सा केंद्रक बनाएंगे इस प्रकार से। इसके भी बाहरी कोनों को थोड़ा सा जो छिद्र बना देंगे इसमें, ये बना दिया अपने केंद्रिका। और इसमें कुछ धागे नुमा संरचना बना देंगे जिसको गुणसूत्र और ये इसके केंद्रक द्रव्य हमने इसमें भर दिया। इसके बाहर अंत प्रद्रवी जो जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इसको एक तरफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे खुरदरी वाली, और दूसरी तरफ बना देंगे इसके ऐसी संरचना एक और बनाएंगे इसमें। इसको चिकनी अंत प्रद्रवी जालिका बना देंगे। ये हो गया अपना। इसके बाद इसमें एक बड़ी सी रिक्तिका बनाएंगे क्योंकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है। और ये बना देंगे हम गोलजिकाएं। इसके पास में छोटे छोटे से लाइसोसोम, और ये बना देंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जितने अंग बनाना चाहें हम इसमें बना सकते हैं। ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। और पादप को हर होते हैं हरित लवक, यहाँ बना देंगे हरित लवक बना देंगे इस प्रकार से। एक और बना देते हैं इसमें दो हरित लवक बना देते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये डायग्राम तो लगभग पूरा हुआ। उसको थोड़ा डॉट डॉट करके इसमें अंदर कुछ कोशिका द्रव्य जो है जीव द्रव्य भर देंगे इसमें। अब इसका नाम लिखते हैं हम। सबसे ऊपर की होती है वो है सेल वाल, ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, रफ एंडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इस पर राइबोसोम चिपके रहते हैं इसलिए इसको बोलेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंत प्रद्रवी जालिका, और ये SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी। ठीक है, इसके बाद आ जाए अपन इधर। ये केंद्रिका यानी न्यूक्लियोल्स केंद्रक, ये रिक्तिका है, और ये क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें एक चीज़ भूल गए अपन, सबसे अंदर जो परत है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोस्तों जितना हो सके इतना जितने नाम अपन को पता होते हैं नाम लिख दें और अपना ये डायग्राम इस प्रकार से पूरा हो सके। तो दोस्तों अगर चित्र आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।